हेलो एवरीवन, मैं हूं एमएस अली और आप देख रहे हो मेरे कल यूनिक क्लासेस। आज का ये फैक्ट है आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया सा। लेकिन इस तरह की वीडियोज हमने और भी बनाई है अपने चैनल पर, जो आप लोगों ने देखी होगी, पर अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो देख सकते हो, है ना। मैंने अपने चैनल पर कुछ इस प्रकार की वीडियोज बनाई है। अब किस प्रकार की वीडियोज मैंने बनाई है, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। देखिए, जब हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक हिंदी की कई कई इंग्लिश में मिल जाती है, और हम क्या करते हैं, जिसका मन जहाँ करता है वहाँ पर हम लगा देते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, एक हिंदी की कई अंग्रेजियाँ होती है, और उन सारे अंग्रेजियों का प्रयोग इस्तेमाल अलग अलग रूपों में होता है, अलग अलग सिचुएशन में हुआ करता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ तीन ऐसे वर्ड्स जिसकी एक ही हिंदी है, जगना या जागना, और तीनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग ढंग से मैं बताने वाला हूँ, और तीनों का इस्तेमाल, तीनों का प्रयोग बिल्कुल अलग अलग तरह से होता है। यही बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो पे अटेंशन प्लीज। यहाँ पर हमने लिख रखा है वेक अप, गेट अप और अवेक। इन तीनों का मतलब है जगना या जागना। तीनों का हिंदी अर्थ एक ही है, जगना या जागना। तो बहुत दिनों से आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन चल रही होगी कि है ना, अवेक कहाँ लगाएं, गेट अप कहाँ लगाएं और वेक अप कहाँ लगाएं। और कुछ का तो ये मानना है कि कहीं भी किसी को भी लगा दो, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। जैसा आप हिंदी में करते हो वैसा अंग्रेजी में नहीं होता है। तो यही बात, यही फैक्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको अवेक कब लगाना है, गेटअप कब लगाना है और फिर वेकअप कब लगाना है। तो देखते हैं इन तीनों के यूजेस को। सबसे पहला मैंने लिख रखा है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है सो करके जगना। जैसे कि रात में हम सोते हैं और सुबह में जगते हैं, उसका मतलब होता है वेकअप। अगर हम दिन में भी सो रहे हों 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नींद से, और नींद से जब बेजार होंगे, नींद जब हमारी टूटेगी, जब हम उठेंगे, तो वो समय भी हमारा वेकअप ही होगा। तो कुछ एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है इसको मैं बाद में बताता हूँ। ही वेक्स अप, है ना, 6 o'clock। और यहाँ पर मैंने बाई मिस्टेक ऐड छोड़ दिया है, ऐट आना चाहिए इसलिए क्योंकि ओ क्लॉक वाले समय से पहले ऐट का आना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock से पहले आप ऐट का प्रयोग ज़रूर करोगे। ये एक खास प्रिपोजिशन है जो ऐसा रूल में बताया गया है कि भाई ऐट आपको लगाना ही है। तो यहाँ पर ऐट मुझसे छूट गया था, पर अभी मैंने इसकी कसर पूरी कर दी है। तो ही वेक्स अप एट 6 o'clock, इसका मतलब है कि वह 6 बजे उठता है या जगता है, यानी सो करके। रात में सोता हो, जब भी सोता हो, 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे रात को, या 4 बजे रात को, या 4 बजे भोर को, जब भी सोता हो, लेकिन वो उठता है कब, 6 बजे सुबह को। तो सो करके उठ रहा है। तो सो करके उठने की अंग्रेजी खासकर वेकअप होती है। तो यहाँ पर पूछोगे कि सर जी वेक्स कैसे आ गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद कर सकते हो, मेरे वीडियो देख सकते हो, पार्ट 2 में मैंने बताया है कि जब ही शी इट इत्यादि रहता है तो हमें वर्ब में एस या एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एस लगाया है, इसलिए हुआ है ही वेक्स अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे जगता है। सी वेक्स अप एट 5 o'clock, वह 5 बजे जगती है। यू वेक अप एट 4 o'clock, तुम 4 बजे जगते हो। ऐसे कर करके हजारों सेंटेंस आप बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमने गेटअप भी लिखा है। तो गेटअप की 2 हिंदी होती है, ध्यान देना। यहाँ पर गेटअप का मतलब होता है सोकर भी जगना और ऐसे ही कहीं से उठ जाना। उठना या जगना तो होता है, जैसे कि आप कुर्सी से उठते हो तो भी गेटअप बोल सकते हो, और जब आप सोकर जगते हो तो भी गेटअप बोल सकते हो। लेकिन सोकर जगने के लिए सबसे बेटर जो उपाय बताया गया है वो है वेकअप। यानी हम कभी भी वेकअप का प्रयोग करना चाहिए, कब, जब कोई सोकर के जगता हो, लेकिन ऐसे ही कहीं से उठ जाता हो, जैसे कि बेंच से उठो तो गेटअप फ्रॉम द बेंच, कुर्सी से उठो गेटअप फ्रॉम द चेयर, ऐसे कर करके, है ना, हम गेटअप का प्रयोग करते हैं। लेकिन गेटअप का प्रयोग, है ना, सुबह सोकर जगने से भी होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आई गेटअप एट 5 o'clock, यानी मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह के 5 बजे, यानी रात भर सोने के बाद सुबह के 5 बजे उठता हूँ। तो हमने गेटअप का यूज़ किया है। तो हमने गेटअप भी लगाया और वेकअप भी लगाया। अब इन दोनों के बीच में जो भिन्नताएँ हैं, जो डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सो करके जगना, जब भी कोई सो करके जगे या उठे तो खासकर आपको वेकअप लगाना है, क्योंकि यही ग्रामर का रूल है। लेकिन आप गेटअप भी लगा सकते हो, गेटअप भी लगाते हो तो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन गेटअप के 2 अर्थ होते हैं, एक बिना सोए ही उठ जाना कहीं से, चेयर से, कुर्सी से, बिस्तर से, और वेकअप है कि सोकर ही जगना। इसलिए जहाँ कहीं भी सोकर जगने की बात हो वहाँ आपको वेकअप लगाना है, और जहाँ ऐसे ही उठने की बात हो वहाँ पर गेटअप लगा सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 3 में स्पष्ट है कि गेटअप फ्रॉम द चेयर, यानी कुर्सी से उठ जाओ या कुर्सी से उठो। कुर्सी पर वो सोया नहीं है, ऐसे ही बैठा है, कोई आया उसको बैठना उस पर, तो उसने उसको हटाया, बोला कि कुर्सी से उठ जाओ, तो उसने बोला गेट अप फ्रॉम द चेयर, है ना, गेट अप, कम ऑन, चलो, है ना, उठो, चलो।
तो यहाँ भी ऐसे भी उठने के लिए गेटअप का यूज़ हम करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वेकअप और गेटअप हम कब लगाएं। आज का लास्ट वर्ड है अवेक, इसका भी मतलब होता है जगना या जागना, लेकिन इसकी सिचुएशन बिल्कुल इन दोनों से अलग है। जब कोई सोया नहीं हो, ऐसे ही सोया नहीं हो, अभी वो जगने की स्थिति में हो, जैसे कि कल रात में रात भर जगा, सोया कहाँ, वो तो जगा ही रह गया। हम लोगों को रात में जगना पड़ता है, सोते कहाँ हैं वो लोग, जगे ही रहते हैं। तो जगे ही रहना मतलब सोना नहीं, जगे ही रहना अवेक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 में स्पष्ट है, आई हैव टू अवेक होल नाइट, आई हैव टू अवेक होल नाइट, जिसका मतलब है कि मुझे रात भर जगना पड़ता है, मुझे रात भर जगना होता है और मुझे रात भर जगना है। तो अभी सोया कहाँ है, अभी तो उसको जगना है, अभी तो उसको जगना पड़ता है और जगना होता है। तो जब भी किसी को जगे ही रहना पड़ता हो तो वो अवेक है, सो करके उठते हो तो वेकअप है, और अगर ऐसे ही कहीं से उठते हो तो वो गेटअप है, और सोकर भी उठते हो तो भी वो गेटअप हो सकता है, लेकिन बेटर होगा आपका वेकअप। तो आज के बाद से जब कभी भी जगना या जागना लिखा हो तो आप इन तीनों सिचुएशन को समझ लें और उसके बाद ही आप प्रयोग करें, वरना आपकी गलती हो जाएगी। और ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपकी अंग्रेजी शुद्ध रहेगी, करेक्ट रहेगी, वरना इस दुनिया में और इस वर्ल्ड में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं और अंग्रेजी जिस तरह भी बोल देते हैं, किसी भी प्रकार बोल देते हैं। बस उनका कहना होता है, भाई मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ ना, अब जैसे भी बोलूँ, है ना, अंग्रेजी की टांगे तोड़ दूँ, उसके हाथ पाँव छटका दूँ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम भारतवासी को इंडियन, हम इंडियन हैं और हमें ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि हम दूसरों से अलग दिख सके, नहीं तो हम भी अंग्रेज़ कहलाएंगे ना। अंग्रेज़ों में और हमें क्या अंतर रह जाएगा जब हम ग्रामेटिकल रूल को फॉलो ना करें। तो आज के बाद से आप सबको ऐसे रूल्स को फॉलो करना है, और इस प्रकार की वीडियोज हमने और भी बना रखी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगा। और ऐसे वर्ड्स को आप याद कर लें और अपनी रोज़मर्रे के जीवन में, दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें। तो मैं अब निकलना चाहूँगा, बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, एंड आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो।